हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बनाऊंगी थाई रेड करी। थाई रेड करी के लिए थाई रेड पेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट से हम ग्रेवी बनाएंगे। तो पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन गर्म होने रखा है, इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड किया है, साथ ही इसमें 8 से 10 काली मिर्च ऐड करूंगी और 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी। तीनों चीज़ें साबुत हैं, इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर, एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है। तो बीच बीच में इसे चलाते रहिए। मसाले हमारे भुन गए हैं, इसे मैं एक मिक्सर जार में निकाल लूँगी। जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसे निकाल लीजिए। ये देखो मसाले अच्छे से भुने हैं। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये 1/4 कप लगभग आधा प्याज है जिसे मैंने ऐड किया, 7 से 8 क्लोव गार्लिक है तो मैंने 7 से 8 कली लहसुन की ऐड की यहाँ पे, 1/2 टीस्पून लेमन जेस्ट है, लेमन के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको ग्रेट करा है मैंने, साथ ही ये 1 TSP गलंगल है, आप इसकी जगह 1 इंच का अदरक भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, मैंने लगभग 1/2 टीस्पून ऐड किया है। 1 नींबू का रस या 2 टीस्पून लेमन जूस मैंने यहाँ ऐड किया है, साथ ही मैंने लेमन ग्रास यूज़ किया है 1 टेबल स्पून, ये इस तरह का होता है, ये देखिए। इसको यहाँ से काटना शुरू कीजिए और ये मैंने लगभग इतने साइज़ का लिया है। तो लेमन ग्रास मैंने यहाँ ऐड किया, साथ ही इसमें मैं रेड चिली ऐड करूँगी। ऐसे तो इसमें बर्ड आई चिलीज यूज़ होती हैं पर वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने यहाँ कश्मीरी रेड चिली यूज़ की हैं। मैंने कश्मीरी रेड चिली को 15 मिनट गर्म पानी में सोक करा और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये लगभग मैं 5 कश्मीरी रेड चिली ऐड कर रही हूँ जिसके सीड्स मैंने निकाल दिए। सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए इसका पेस्ट बनकर एकदम तैयार हो गया है। हमारी रेड करी के लिए जो रेड पेस्ट ज़रूरत होता है वो तैयार हो गया है। इसे आप 3 से 4 महीने डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसी पेस्ट के साथ आपको करी बनाना सिखाती हूँ। तो मैंने पैन गरम किया, इसमें मैं 200 ml कोकोनट मिल्क ऐड करूँगी। आप फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 कप या जितना भी हमने पेस्ट बनाया था उसका 1/2 पोर्शन मैं यहाँ ऐड करूँगी। मैं आपको आगे कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं वो भी बनाना सिखाऊँगी। तो अभी मैंने कोकोनट मिल्क और जो रेड करी पेस्ट था वो ऐड किया। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप टोमेटो सॉस ऐड करूँगी। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा सा मसाला डालना होगा, तो मैं यहाँ नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, लगभग 1/4 टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और इसको बॉईल आने दीजिए। मैंने दूसरी तरफ एक और पैन गरम किया है, उसमें लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। पूरी रेसिपी में हमें से 1 टेबल स्पून ऑयल लगने वाला है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून लेमन ग्रास ऐड करूंगी। अगर आपके पास लेमन ग्रास नहीं है तो आप पूरी रेसिपी में लेमन जेस्ट की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, लगभग लेमन जेस्ट आप इसमें डबल कर दीजिए और फिर आप इसको बनाइए। तो गार्लिक और लेमन जेस्ट इसमें गया। अब मैं इसमें 1/4 कप अनियन के क्यूब्स ऐड करूंगी, 2 से 3 बेबी कॉर्न ऐड करूंगी, साथ ही 4 से 5 बीन्स हैं उसको भी मैंने कट कर लिया है तो वो भी मैं ऐड करूंगी। 1/4 कप बेल पेपर्स है, तो ये रेड ग्रीन और येलो तीनों कलर के हैं, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मशरूम को मैंने इस तरह से स्लाइस किया है वो ऐड किया है। तो सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी सब्जी, अगर आपके पास ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, तो आप कोई भी इसमें ऐड कर दीजिए। इधर हमारी रेड करी भी बन रही है और एक तरफ हमारी सब्जियाँ भी सॉटे हो रही हैं।
दोनों चीजों को बीच बीच में चलाते रहिए। ये देखिए सब्जियां भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत कलरफुल लग रही हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी ताकि सब्जियों में भी एक अच्छा सा टेस्ट आए। अब जो हमारी करी बन रही है उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लीजिए। सब्जियों में थोड़ा सा मैंने पनीर क्यूब्स ऐड करे हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सब्जियाँ भी हमारी लगभग सॉटे हो गई हैं और एक तरफ हमारी ग्रेवी में भी बॉईल आ गया है, तो मैं ग्रेवी में सब्जियों को ऐड कर दूंगी। थाई रेड करी में आप ऑयल कम से कम यूज़ करके भी बना सकते हैं, बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क है जो बहुत हेल्दी होता है, बहुत सारी इसमें सब्जियां हैं, लेमन है, तो ये बहुत हेल्दी और बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करो। ये देखो आप सब्जी में अच्छा बॉईल आ गया है, सब्जी एकदम अच्छा इसमें कलर है, अच्छा इसमें बॉईल है, सब्जियां भी पक गई हैं, हल्का सा उसमें क्रंच है। तो अब हम इसमें हाफ टी स्पून शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप फ्रेश कोकोनट को ग्रेट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद उसे छान लीजिए, तो कोकोनट मिल्क एकदम तैयार है आपका। तो देखिए थाई रेड करी एकदम तैयार है, बहुत अच्छा इसमें कलर आया है, ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर है। इसे आप थाई राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, थाई नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप थाई राइस की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी, बाय।